हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लास में। मेरा नाम है जीशान। दोस्तों, आज का जो अपडेट निकल कर आया है जॉब का, वो निकल कर आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ वोमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। उसकी तरफ से दोस्तों ये वैकेंसी निकल कर आ रहा है, जो कि झारखंड के सब जिले से ये वैकेंसी आई है। इसमें से क्या क्या वैकेंसी है, कितनी सैलरी है, कौन इसको भर सकते हैं, इसके लास्ट डेट क्या है, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और जानिए कि इसमें क्या क्या है, कौन इसको भर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, और हर जिले से ये वैकेंसी निकला है। इसको जो है आप फॉर्म कहाँ जमा करना है, इसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जो भी यहाँ पर दिया गया है कि उसके अवस्थित संप्रेक्षक गृहों के रिक्त पदों के विरुद्ध शीघ्र नियुक्ति करने का आदेश है। संप्रेक्षक गृहों के अधीन सृजित पद समूहों के विरुद्ध समेकित बाल संरक्षण योजना, यानी दोस्तों ICPS जो योजना है, उसके अनुसार चिन्हित किए गए निम्नांकित पदों पर संविदा के आधार पर विहित प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। चलिए देखते हैं आप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर जो जिला वाइज है, जो लगभग 11 जिला है, सबको दिया गया है। और इसमें जो क्या है, क्या क्या वैकेंसी है, अधीक्षक है, गृहपति है, परामर्शी है, परिवीक्षा पदाधिकारी है, शिक्षक हैं, पारा चिकित्सा कर्मी हैं, और भंडारपाल सह लेखापाल। ये इतने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। और देखिए यहाँ पर दिखा रहा है उसके लिए, यहाँ पर आपको अधीक्षक में किस किस जिला में वैकेंसी है, टोटल 4 पोस्ट है। और आपका गृहपति में, और आपको जितना भी इधर सीट है, सब में देखिए एक एक सीट है, नहीं हर जिला में सीट है, और टोटल 11 करके सब सीट यहाँ पर बांटा गया है। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, और उसका सैलरी कितना कितना है दिखा दे रहा हूँ, और उसका क्वालिफिकेशन क्या है सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अधीक्षक के लिए दोस्तों, यहाँ पर जो दिखा रहा है पदों की संख्या 1, ये सब में दिखा रहा है। मतलब वो क्या है कि जिला वाइज दिया गया है, इसलिए वो दिखा रहा है। अधीक्षक के लिए दोस्तों सैलरी है 28,755 रुपये, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके लिए आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। गृहपति के लिए आपको 16,188 रुपये मानदेय है, और उसके लिए आपको होना चाहिए स्नातक, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। परिवीक्षा पदाधिकारी के लिए 28,755 रुपये है, उसके लिए होना चाहिए विधि स्नातक। और शिक्षक के लिए आपको 17,640 रुपये है, उसके लिए आपको ग्रेजुएट के साथ DLED या BEd और साथ में TET होना चाहिए। और परामर्शी के लिए आपको 31,311 रुपये आपको ये सैलरी है, और उसके लिए आपको होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें सामाजिक विज्ञान में या मनोविज्ञान में। और पारा चिकित्सा कर्मी के लिए 15,123 रुपये सैलरी है, और उसके लिए आपको होना चाहिए इंटर यानी 12th पास, पारा चिकित्सा जो है स्नातक पाठ्यक्रम में। और उसके लिए जो आखिरी जो है 7 नंबर पे भंडारपाल सह लेखापाल, उसके लिए आपको 15,123 रुपये सैलरी है, और उसके लिए आपको BCom होना चाहिए, यानी BCom में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। देखिए आप, है ना, ये सारा कुछ हो गया आपको, आप देख लें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। और आप आगे देखते हैं उसकी नियम शर्त। ये जो है दोस्तों 1 वर्ष के लिए होगा, और उसके बाद आपको, आपका अगर कार्य ठीक रहा तो उसके लिए आपको अवधि विस्तार दिया जाएगा। यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर CL वगैरह क्या क्या है, कैसे किया जाना है, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। अगर मैं सब बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मेन मेन पॉइंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चयन है, वो चयन किस तरह से होगा और उसके लिए कौन करेंगे। चयनित अभिकर्तियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के 3 माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। और जो जिला में जो आपका समिति जो चयन करेगी, उसमें कौन कौन होगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी होगा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी होगा, और जिला स्थापना उप समर्ता होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा, जिला सूचना अधिकारी होगा, और समिति में अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारी, और अगर नहीं रहने की स्थिति में उपायुक्त द्वारा नामित, जो उसको नामित कर दे। ये है इसका मेन डिटेल्स। और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो चयन का मापदंड होगा वो क्या होगा, यहाँ से आप देख लीजिएगा क्या क्या है, क्योंकि सब बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप अगर चाहते हैं इसको मैं बताऊँ, तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए, उसमें सिर्फ आपको पूरा बताऊंगा कि आपका मेरिट लिस्ट में कैसे बनेगा, किस तरह से आपका अंक जुटेगा, चयन का मापदंड कैसे होगा, पूरा मैं डिटेल से बना के लाऊंगा स्पेशल आपके लिए। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उसमें जरूर वीडियो बना के लाऊँगा। यह दिखा रहा है कि जो आपको जो
मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, किस तरह से अंक मिलेगा, सब मैं इस पर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा स्पेशल उसके लिए अलग से। मुझे इसके लिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आप वीडियो चाहते हैं इसके लिए स्पेशल। तो देखिए और क्या है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप अगर आपका प्रारंभिक चयन होने के बाद मेगा सूची के अनुसार किया जाएगा एवं उनका कंप्यूटर जो है हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग जांच परीक्षा के लिए की जाएगी, यानी आपको जो टाइपिंग भी लिया जाएगा उसके बाद उसके लिए 20 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की हिसाब से वो आपको टाइपिंग स्पीड लेगा। अब चलिए देखते हैं इसका जो उम्र सीमा है वो क्या क्या है। देखिए दिखा रहा है कि सबके लिए उम्र सीमा जो है मिनिमम दिखाया गया है 21 साल, चाहे एस सी एस टी ओ बी सी महिला कुछ भी हो, सबके लिए मिनिमम कम से कम 21 साल होना चाहिए। और आयु की जो गणना है वो 1/8/2018 को कट ऑफ डेट रखा गया है। अब देखते हैं उसका जो अधिकतम आयु है क्या रखा गया है। जो अनरिजर्व है उसके लिए 35 साल है और जो अनरिजर्व पीएच है उसके लिए 40 साल है। यहाँ पर दो कोटा दिया गया है, एक जनरल के लिए और यहाँ पर एक पीएच के लिए। जो दिव्यांग है जो ओबीसी में आते हैं उसके लिए अधिकतम 37 साल है और पीएच के लिए 42 साल है। और जो महिला अनारक्षित है उसके लिए 38 साल है और पीएच उसके लिए 43 ईयर्स है। और जो एससी एसटी है महिला पुरुष दोनों के लिए 40 साल है और जो पीएच है उसके लिए 45 साल है। ये रहा। और जो आवेदन की जो प्रक्रिया दोस्तों, ये मेन टॉपिक होता है हर जॉब के लिए। चलिए इसको ध्यान से देखिए, इसे दिखा रहा है इच्छुक उम्मीदवार संलग्न विविध आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो की 100 अभिप्रमाणित प्रति संबंधित जिला के उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है आवेदन फॉर्मेट जो मैं बताऊंगा, जो दोस्तों इसका जो आवेदन फॉर्मेट है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट लोड कर सकते हैं। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लोड कर सकते हैं और आसानी से भर सकते हैं। और इसको क्या करना है, इसको सब कुछ भर के जितने भी शैक्षणिक योग्यता है मैं नीचे बता रहा हूँ उसको साथ में लगा के दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगाना है और सबको आपको सेल्फ यानी खुद से साइन करना है और संबंधित जिला यानी जो आपको जिला के जो उपायुक्त कार्यालय है उसको भेजना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक बात कि मैं सब कुछ बताता हूँ फिर भी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये सेल्फ रजिस्टर्ड क्या होता है, स्वयं क्या होता है, कैसे करना है। दोस्तों आप स्टूडेंट हैं आपको ये जानना चाहिए कि जो 100 अभिप्रमाणित है उसका मतलब होता है कि आपका खुद का साइन क्या हुआ, आपको खुद से अपने सभी डॉक्यूमेंट में और फोटो में साइन करना है जो फोटो आप साटिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसके लिए हमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो खुद साइन कीजिएगा उसे बोलते हैं 100 अभिप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है दोस्तों, चलिए आप आगे देखते हैं कि आपको जो फॉर्मेट है उसके साथ में क्या क्या देना है। देखिए पहला नंबर पर है मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जो भी आपका मैट्रिक का मार्कशीट है और जो आपका सर्टिफिकेट है पासिंग वाला वो देना है। इंटर भी सेम देना है, मार्क्स सर्टिफिकेट और जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। और आप ग्रेजुएट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी देना है आपको, आपका जो मार्कशीट है और फाइनल सर्टिफिकेट जो बोलते हैं आपको पासिंग आउट सर्टिफिकेट। और अगर आप स्नातकोत्तर हैं उसके लिए दे रहे हैं तो उसका भी मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट। और अगर आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हैं देना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं झारखंड में वो दीजिए। और आप एस सी एस टी या ओ बी सी जिसका भी लाभ लेना चाहते हैं तो दीजिए आप व्यक्ति प्रमाण पत्र। और अतिरिक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता या डिप्लोमा प्रमाण पत्र जो भी मांगा गया है और आपके उसके अलावा है तो वो आप दे सकते हैं। संबंधित उपायुक्त कार्यालय में आवेदन समर्पित करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो है 30/11/18 यानी 30 नवंबर तक आप इसे उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इसका जो है आवेदन फॉर्मेट है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये संलग्न है लेकिन आपको इसके लिए ज़रूरत नहीं है घबराने की, टाइपिंग करने की या इसको कैसे करें, मैंने इसे अलग करके आपके लिए स्पेशल कर दिया। ये सिर्फ एक पेज का है, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लोड कर सकते हैं आसानी से। ये सिर्फ एक पेज का है, आपको मैं डाल दूंगा लिंक में, वहाँ से आप डायरेक्ट लोड करके इसको आराम से भरकर आप भर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ जिस तरह मैंने बताया कि इसका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर जरूर लाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्म कैसे भरेंगे आप ऑफलाइन फॉर्म और कैसे भेजना है, टोटल स्टेप बाय स्टेप मैं भर कर बताऊँगा। अगर मुझे आप इसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना के लाऊँगा, पूरा फॉर्म को मैं भर कर कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बताकर जरूर वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी भर सके और अपने जिला में जान सके और उसके फॉर्म को भर सके। और लाइक बटन को जोर दबा दीजिएगा अच्छा लगे, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जोर दबाइए ताकि आपको इसी तरह के कोई वीडियो आए तो मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।